फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो चैप्टर टू है। और आपको पता है कि जो चैप्टर टू है वो ऑर्गन सिस्टम का है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो आज अपन जिस ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करेंगे वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये भी आप सबको मालूम है कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो कैसे बनते हैं, मालूम है ना ये बात। मुझे बार बार रिवाइज करने की तो जरूरत शायद होगी नहीं। जैसे देखिए, सेल्स है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज द टिश्यू, ए टिश्यू ऑफ ग्रुप इज नोन एज द ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम। और द ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म द फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी, लाइक एज द फंक्शन इज द डाइजेशन परफॉर्म बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए सेल्स, तो मेन यूनिट क्या हुई यहाँ पे, सेल्स हुई ना। तो ह्यूमन बॉडी की या एनिमल्स बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट इज नोन एज द सेल्स। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द सेल्स, उसको क्या बोला जाता है, सेल्स बोला जाता है। अगर आपको यहाँ पे मैंने जो लिखा वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी आवाज या वॉइस इससे भी सुन सकते हो कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ऑर्गन सिस्टम, मैनी ऑर्गन्स आर कंबाइन या कंपोज टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, और मैनी ऑर्गन्स आर कंबाइन, फिर मैनी टिश्यू आर कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन्स, मैनी टिश्यूज आर कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन्स, और मैनी और टिश्यूज क्या है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ए सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज द टिश्यू, और टिश्यू आर कंबाइन होकर के ऑर्गन, और टिश्यू किसके बने हैं, सेल्स के बने, ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है ह्यूमन बॉडी की, सेल्स होती है। आप ध्यान रखोगे इस बात को, क्लियर होगी। अब उसके बाद में हमने जो टॉपिक ले रखा है वो हमारा टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन या फिर ए स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, ए स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म द डाइजेशन इन द ह्यूमन इज नोन एज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ए स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द डाइजेशन इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब अपन बात करते हैं कि फिर डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन किसको बोलोगे, तो देखिए अपन डाइजेशन की यहाँ बात करते हैं कि डाइजेशन किसको बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन का मीन्स क्या हो, देखिए आप फूड के फॉर्म में क्या लेते हो, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सब आप किसकी फॉर्म में लेते हो, फैट, न्यूट्रिएंट की फॉर्म में लेते हो। तो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, इन न्यूट्रिएंट का सिंप्लीफिकेशन करना क्या होता है, डाइजेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज नोन एज द डाइजेशन। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कन्वर्ट इंटू द सिंपल ऑर्गेनिक फूड या सिंपल इनऑर्गेनिक फूड इज नोन एज द डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड convert into the simplest form of food is known as the digestion. Organic food किसको बोलोगे, ये ध्यान में रखना, protein, carbohydrate, vitamin, fat को क्या बोला जाता है, organic food बोला जाता है, are simplified known as the digestion. तो digestion is a biological process, क्या है, biological process complete by the many chemicals, और दीज केमिकल्स आर नोन एज द एंजाइम्स। इनकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन देखते हैं कि ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करता है, जिसे एनर्जी बनेगी आगे जाकर के। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल, एंड द सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एक बार इधर देखिए, आप डायग्राम के अंदर आइए। एलिमेंट्री केनाल्स में आप कौन कौन से ऑर्गन्स लोगे? देखिए एलिमेंट्री केनाल्स में ये हो गई बक्कल केवेटी। क्या है? बक्कल केवेटी। डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? बक्कल केवेटी किसमें ओपन होती है? फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स एक ट्यूब में ओपन हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस एक बैग लाइक फॉर्म में ओपन हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्टमक। क्या बोलेंगे? स्टमक। अब देखिए स्टमक, देखिए ये यहां से ऐसे होते हुए जा रहा है ना, देखिए ये ऐसे यहाँ पे आके कोइल्ड हो गया, फिर यहाँ ओपन हो गया, यानी यहां से लेकर के ये कंप्लीट जो कोइल पार्ट है और जो यहाँ ओपन हो रहा है, इस कंप्लीट फॉर्म को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। अब देखिए बाहर की तरफ जो मैंने शेप बना रखी है ऐसे, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या नाम हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए ये थोड़ा फोल्डेड पार्ट है, यानी कि ये ऐसे हो गया ऐसे। ये जो फॉर्म बनी है इसको बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम लास्ट में बॉडी से बाहर ओपन होता है एनस। तो आप एक बार वापस से देखिए, माउथ, ठीक है, माउथ, माउथ से बक्कल केविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बाहर वाला लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सभी पार्ट किसके है? एलिमेंट्री केनाल के। किसके है? एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री केनाल कहां से है? माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। क्या होती है एलिमेंट्री केनाल? वापस से देख लीजिए, बक्कल केविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सब किसके पार्ट है? एलिमेंट्री केनाल के। अब यहां देखिए ये एक अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है ये वेस्टिगल्स ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ऐसे ऑर्गन जो प्रेजेंट तो होते हैं बट कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, उनको वेस्टिगल्स ऑर्गन करते हैं। इन इसके फंक्शंस की बात अपन आगे करेंगे जब मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। आप तो इतना ही ध्यान में रखिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिगल्स ऑर्गन्स है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड पार्ट क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड में यहाँ पर यानी बक्कल केविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? स्लेवरी ग्लैंड। कहाँ है? बक्कल केविटी, स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर। यहाँ देखिए इस जो ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेकिन ये सभी स्टडी अपन बाद में करेंगे। एक बार आप ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों लोब के बिटवीन एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, आपको पता है हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सिक्रेट करती है। तो ये ग्लैंड कौन कौन सी आएगी सिलेबस के अंदर? आप करोगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्लेवरी ग्लैंड की स्टडी करोगे, लीवर की स्टडी करोगे और पैनक्रियाज की स्टडी करोगे, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड कहाँ है? बक्कल केविटी में, सलाइवा सिक्रेट करती है। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जो बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पैनक्रियाज जो है पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करता है, इसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज कर दिया
जाता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अपन बहुत बार बनाएंगे जब भी इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के ये टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आज भी आपको ये डायग्राम मैंने दिखाया है। नेक्स्ट जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे तो पहले आपके सामने डायग्राम ही होगा, उसके बाद में ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री केनाल है जो एक ट्यूब के फॉर्म में 1/1 ओपन, यानी वन ऑर्गन टू अनादर ऑर्गन जो ओपन हो रही है वो एलिमेंट्री केनाल है। साइड से जो साइड में लगे हुए होते हैं वो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो एलिमेंट्री केनाल है उसका मेन फंक्शंस क्या है। एलिमेंट्री केनाल बता देना कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, बक्कल केविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये किस में आते हैं? एलिमेंट्री केनाल में आते हैं। अब देखिए एलिमेंट्री केनाल का फंक्शंस देखिए, यानी एलिमेंट्री जो केनाल है वो थ्री मेन फंक्शन को प्ले करती है। फूड को इंटेक भी करती है, फूड का डाइजेशन भी करती है, फूड का अब्जॉर्प्शन भी करती है, और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करती है। यानी कि फूड को इंटेक करना, डाइजेशन करना, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करना और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना, ये सभी काम कहाँ हो रहे हैं? एलिमेंट्री केनाल में। देखिए एलिमेंट्री केनाल का फर्स्ट क्या हो गया? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यानी कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करना? सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज। तो जो भी अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। अगर अपन कन्वर्ट कर देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तो हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म और ग्लूकोज क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डाइजेशन ऑफ फूड सेकंड फंक्शन क्या होगा एलिमेंट्री केनाल का? जिस फूड का डाइजेस्ट है उसको अब्जॉर्ब भी तो करना है, क्योंकि वो अब फूड को अब्जॉर्ब किया जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वो फूड पहुंचेगा, वही फूड ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बनाएगा, तो उस फूड को लेना भी तो है भाई। तो यानी डाइजेशन तो हो गया, लेकिन उसको क्या करना है? कंज्यूम भी तो करना होगा। अब वही बात है, मैं आपको टॉपिक तो समझा रही हूँ, मैंने तो टॉपिक समझा दिया बट आपको समझना भी तो है। तो वही काम है, इसने तो डाइजेशन कर दिया डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से, लेकिन उसको अब्जॉर्ब भी तो करना है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फिर उसके बाद में जो कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं इसका डाइजेशन नहीं होता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना। तो थ्री फंक्शंस हो गए। देखिए फर्स्ट क्या हो गया? डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड क्या हो गया? अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और थर्ड क्या हो गया? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस। ये डायग्राम किसका बना रखा है अपन ने? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसका कुछ पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो ये जो पार्ट्स है ना, ये जैसे माउथ है, बक्कल केविटी है, फेरिंग्स है, इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर्स को अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाने में ही। आज आपका क्वेश्चंस क्या रहेगा? क्वेश्चंस नोट कीजिए, राइट द थ्री मेन फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री केनाल, राइट द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री केनाल। और देखिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, समझना आपका काम है, ठीक है। अगर आप टॉपिक को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो, तो जो हार्म होगा, लॉस होगा, वो आप लोगों को ही होने वाला है लॉस बेटा। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर स्कूल ओपन होगी तो केवल रीज़न ही होगा, सिलेबस तो मतलब ही नहीं है होने का। तो केवल हम लोग रिवाइज करवाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से टॉपिक को समझिए, आपको नोट्स दिए जाते हैं उनको रिटर्न वर्क कंप्लीट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो आपको जो क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर आपको देना है।